पोको X6 Pro का छोटा भाई पोको X6 आ गया है। जब मैं पोको X6 Pro अनबॉक्स कर रहा था दोस्तों, आई वॉज सो हैप्पी, जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी था। एंड आई टेल यू व्हाट, पोको X6 भी सेम वाइब दे रहा है। जी हाँ, ये वीडियो आप एंड तक देखोगे तो आपको पता चलेगा, बट वही सिमिलर ब्लैक बॉक्स येलो लेटरिंग है। वैसे दोस्तों एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करनी है, इतने सारे लोग आते हैं देखते हैं वीडियोस अच्छे लगते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, थोड़ा टाइम निकालिए, एक सेकंड लगता है। लाइक सब्सक्राइब, येलो सबसे पहले सिम कार्ड टूल, देन यू हैव डॉक्यूमेंटेशन, और X6 Pro जैसे ही केस है, गुड क्वालिटी केस, ग्रे कलर की है। X6 Pro का ही फील आ रहा है, वेरी वेरी सिमिलर। ऑलराइट, देखेंगे फोन के पास, बड़ी बड़ी मोटी ब्रिक है, 67 वॉट चार्जिंग आता है दोस्तों, सो 67 वॉट USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल आती है। दैट्स अबाउट इट इन द फोन। चलिए लेट्स कीप दिस असाइड, फोन के पास देखते हैं, अनबॉक्सिंग तो हो गई। ऑलराइट, वेरी वेरी फेमिलियर पोको का जो बड़ा सा एक कैमरा मॉड्यूल होता है वो है दोस्तों, बट लुक एट दिस फोन, ये व्हाइट कलर में, इसमें ग्रे या ब्लैक वो भी कलर आता है, बट लुक एट दिस, ये डिजाइन दिख रहा है आपको, जैसे ही लाइट गिरेगा दोस्तों यू कैन सी दैट, ऐसा मार्बल फिनिश जैसा है, इट शाइन्स, लिटरली शाइन्स, ग्लॉसी है, ये ग्लास जैसे दिखता है बट टाइल से इट इज ग्लास्टिक प्लास्टिक, बट लुक्स ब्यूटिफुल, वेरी नाइस। और ये जो कॉन्ट्रास्ट है ब्लैक एंड व्हाइट, इट लुक्स नाइस। ऑलराइट, दिया ये होता है क्योंकि एक साइड में कैमरा है जो ऊपर की तरफ आया हुआ है, सो दिस इज गोइंग टू हैपन। वैसे कलर कोऑर्डिनेटेड फ्रेम आती है दोस्तों, व्हाइट है, डार्क अगर वेरिएंट लोगे तो उसमें डार्क आएगी। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो नीचे की तरफ देखोगे तो सिम कार्ड ट्रे है, माइक्रोफोन है, USB टाइप सी है, स्पीकर ग्रिल है, राइट हैंड साइड में आपको नहीं फिंगरप्रिंट सेंसर, इसमें भी डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, दैट इज नाइस। वॉल्यूम रॉकर है, ऊपर भी बिजी है दोस्तों, IR ब्लास्टर है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, स्पीकर ग्रिल है, 3.5mm जैक भी है ऊपर की तरफ, वेरी नाइस। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। वैसे अगर वेट के बारे में बात करूं, इट्स नॉट वेरी हैवी, देखते हैं विद न्यू स्केल, नया स्केल आ गया है, मोर एक्यूरेट, मोर एडवांस्ड, वैसे पहले वाला भी एग्जैक्ट एक्यूरेट था, 193 grams, what? यार नए स्केल तो मुझे पागल बना, इतना लाइट है, oh it is that light, मैं बताऊं ऑनेस्टली बताऊं आपको, क्योंकि 5100 मिली एम्पीयर की बैटरी है तो मुझे लगा थोड़ा हैवी होगा, हाथ में लाइट ही लग रहा है, इट्स 181 ग्राम्स ओनली, सो गुड जॉब पोको, एक्सीलेंट जॉब, यू नो इट्स नॉट वेरी बिग ऑल्सो, बड़ा डिस्प्ले है, बड़ा बैटरी है, बट इट डज नॉट फील वेरी बिग, एवरेज साइज है, वेरी गुड इन हैंड फील फॉर श्योर, बहुत अच्छा है। गिरा के देख रहे हैं क्यों रही, विक्टस है दोस्तों, गोरिल्ला ग्लास विक्टस, 1, 2 and 3 जोर से गिराते हैं, इधर आओ मैं दिखाता हूँ, लिटरली ये मार्क्स आ गए हैं फोन गिरा गिरा के दोस्तों, ये नया टेबल है हमारा, बट क्या करें आपके लिए करना पड़ता है, लिटरली मार्क्स आ गए हैं, एंड वीडियोग्राफर मेरे पास देख रहा है। एनीवेज चलिए पीछे से गिराते हैं, 1 more time, 1, 2 and बूम, ओके, कुछ भी नहीं, नो डेंट्स, नथिंग। अब देखते हैं अंदर से, लेट्स स्टार्ट द फोन, नहीं सिम कार्ड ट्रे देख लेते हैं जब तक स्टार्ट हो जाता है फोन। इसमें SD कार्ड स्लॉट नहीं है, एंड यू नो व्हाट, आई डोंट माइंड ऑनेस्टली, क्योंकि 256 GB का बेस वेरिएंट आता है, 128 भी नहीं, 256 GB है, आई थिंक विच इज डिसेंट इनफ फॉर मोस्ट पीपल। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं दोस्तों, वाओ, आई मीन जो पोको X6 Pro में डिस्प्ले वही इसके अंदर भी है, एंड लुक एट दैट डिस्प्ले मैन, ये देखिए ये डिस्प्ले देखिए, बेजल्स देखिए, लुक एट दोस बेजल्स, इतने पतले, आई थिंक 1.3mm बेजल्स है, बहुत ही पतले, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, एंड स्पेशली इस प्राइस रेंज में 25,000 के नीचे आपको इतने पतले बेजल्स नहीं मिलेंगे। चिन के पास भी देखिए कितनी छोटी है, इसीलिए 94% के ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। वैसे अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं, 6.67 inch का 120Hz का AMOLED डिस्प्ले आता है, 1.5K है, दिस इज नॉट अ फुल HD डिस्प्ले, इट इज 1.5K डिस्प्ले, डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है, HDR10+ भी है, एंड यस वेट फॉर इट, 12-bit डिस्प्ले है, इसका मतलब 68 बिलियन कलर्स आपको मिलते हैं, 1800 nits ब्राइटनेस भी है, आई 25,000 के नीचे This is by far the best display. मैंने Poco X6 Pro के बारे में कहा था, इनफैक्ट 30,000 के नीचे भी मैं कहूंगा इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेस, सो गुड जॉब Poco ऑन डिस्प्ले, डिस्प्ले इज फैंटास्टिक। सोचिए डॉल्बी विजन किस में मिलता है, नेटफ्लिक्स जब आप HDR10+ 12-bit डिस्प्ले पे देखोगे विद डॉल्बी विजन सपोर्ट, मतलब आप देखते ही रह जाओगे, दैट इज फॉर श्योर, एंड 3.5mm जैक है, तो अच्छे से हेडफोन्स वगैरह डाल के भी आपको सुनना है, इट्स पॉसिबल, वायर्ड प्रॉपर विद म्यूजिक, और डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है। चलिए मल्टीमीडिया के बारे में इधर ही बात करते हैं दोस्तों, मल्टीमीडिया में देयर इज नो
better phone under 25,000 than this. Excellent video viewing and excellent quality of speakers and Dolby Atmos dual speakers आते हैं, stereo speakers आते हैं, multimedia के लिए जबरदस्त फोन है। Specifications के बारे में बात करूं तो ये आता है दोस्तों Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 इस प्रोसेसर पे। अब ये 7 Gen 1, 7 Gen 2 हमने देखे हुए हैं दोस्तों, they were excellent processor, 7s Gen 2 भी बहुत अच्छा प्रोसेसर है, but अगर compare करूं तो 7 Gen 1 से भी ये नीचे आता है। अगर मैं benchmark करूं तो मैं कहूंगा 695 है, उसके ऊपर 4 Gen 2 है, उसके ऊपर Qualcomm Snapdragon 770 है, उसके ऊपर 7s Gen 2 आता है, so that is what it is। अंतुदु स्कोर जो है वो 6 लाख के ऊपर आता है, 6 लाख 5000, 6 लाख 10000 के करीब आता है। जैसे मैंने कहा बेस वेरिएंट जो है 8GB 256GB, इसमें और दो वेरिएंट आते हैं दोस्तों, 12256 एंड 12512, ये बेस वेरिएंट है और अच्छी बात है 8128 नहीं 8256 है। LPDDR4X RAM टाइप है एंड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप आता है। 5100 mAh की बैटरी है, तो 100mAh से ज्यादा है एंड 67W फास्ट चार्जिंग आती है। अगर गेमिंग के बारे में बात करूं, अगेन आप BGMI वगैरह 60 FPS पे आराम से खेल पाओगे, नो प्रॉब्लम्स। हमने जेंशिंग इंपैक्ट भी 30 मिनट्स तक खेल के देखा, कंटिन्यूअसली आपको 30 to 35 FPS गेम प्ले मिलेगा, विच इज नॉट बैड फॉर दिस प्राइस रेंज, बहुत ही अच्छा है। आप आराम से जेंशिंग इंपैक्ट खेल पाओगे स्मूथली, मजा आएगा आपको लिटरली। जेंशिंग इंपैक्ट जब हम बात करते हैं तो हम फ्लैगशिप लेवल के फोन में टेस्ट करते हैं, हमने इसमें भी टेस्ट किया, इट वर्क्ड वेल। सो परफॉर्मेंस के मामले में अगेन थम्स अप फॉर द प्राइस रेंज डेफिनेटली। और एक चीज, 778 के ऊपर है तो परफॉर्मेंस भी अच्छा है। सेकंड थिंग इज इट पावर एफिशिएंट, क्योंकि 778 6nm था, दिस इज 4nm प्रोसेसर, तो ज्यादा पावर एफिशिएंट है और बड़ी बैटरी है, तो एक डेढ़ दिन आपको बैटरी आराम से जाएगी, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। चलिए ओएस के बारे में बात करते हैं। अब इधर दोस्तों हाइपर ओएस रेडी है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स आपको MIUI 14 मिलता है व्हिच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13। HyperOS का अपडेट आपको मिलेगा, वैसे पोको फोन्स को जल्दी आता है। इनफैक्ट HyperOS के बारे में बात करूं तो पोको F5 में सबसे पहले आया था, तो अपडेट्स का प्रॉब्लम नहीं है। इवन अपडेट्स में भी पोको ने कहा है कि 3 साल के मेजर अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देने वाले, सो यू नो दैट इज नॉट देयर। बट याद रखिए दोस्तों, पोको X6 प्रो में आपको HyperOS ऑन एंड्रॉइड 14 मिल रहा है, इसमें MIUI 14 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13 मिल रहा है। और बात करूं तो हाँ, बहुत सारे एप्स आते हैं, इनफैक्ट गेम्स ही कुछ 7-8 एप्स है, उसमें बबल शूटर ही कुछ 2-3 एप्स है, आप अनइंस्टॉल कर पाओगे नो प्रॉब्लम्स, बट हाँ देर आर थर्ड पार्टी एप्स, देर लॉट ऑफ थर्ड पार्टी गेम्स। और हाँ, फॉर द रिकॉर्ड MIUI डायलर भी आता है इसके अंदर, तो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करना यू कैन डू इट। वैसे दोस्तों आप में से कितने लोगों के पास एंड्रॉइड 14, आप जो इस्तेमाल करते हो क्या वो एंड्रॉइड 14 है या एंड्रॉइड 13 है या पुराना है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। सेंसर्स के बारे में बात करते हैं, एंड आई एम हैप्पी कि ये आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देता है, फेस अनलॉक है, बाकी सभी सेंसर्स आते हैं, वर्क वेरी वेरी वेल, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स है। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो एक तो 5G 4 है दोस्तों, 10 5G बैंड्स आते हैं, नो प्रॉब्लम, डुअल बैंड वाईफाई आता है, वाईफाई 6 नहीं है, डुअल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ 5.2 है, IR ब्लास्टर का सपोर्ट है, VoNR इसके अंदर नहीं आता है, कैरियर एग्रेशन नहीं है। इसमें और भी चीजें हैं जिसके बारे में बात करने वाला हूं, बट कैमरा दैट इज अ बिग थिंग, लेट्स टॉक अबाउट इट। एंड आई एम हैप्पी, बहुत मुझे खुशी है कहते हुए कि पोको X6 प्रो जो 3-4-5 हज़ार से ज्यादा है, उसका कैमरा सेटअप एंड पोको X6 का कैमरा सेटअप सेम है, अल्ट्रा वाइड है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है विद OIS सपोर्ट, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो आता है, और आगे सेंटर पंच होल में 16 मेगापिक्सल का सेंसर। नॉर्मल कंडीशन में फोटो अच्छे आते हैं, कलर्स वगैरह जो है अच्छा है, जो कलर शिफ्ट है अल्ट्रा वाइड एंड नॉर्मल में मैं कहूंगा ठीक ठाक है, डायनेमिक रेंज भी ठीक ठाक है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। हाँ, एक चीज मैंने नोटिस की दोस्तों, थोड़े ज्यादा सैचुरेटेड कलर्स, मतलब पंची कलर्स आते हैं रेयर कैमरा के साथ, अगर पोको X6 प्रो के साथ कंपेयर कर दो, क्योंकि उसमें ISP उसका जो चिपसेट है वो अलग है, इसका चिपसेट अलग है, तो ISP अलग है उसकी वजह से, बट हाँ सेल्फी सरप्राइज भी, स्किन टोन्स वगैरह जबरदस्त आते हैं, जो फोटोज वगैरह आप लेते हो सेल्फी से उसके कलर्स अच्छे आते हैं, स्किन टोन्स स्पेशली आर क्वाइट गुड, तो सेल्फी Definitely very very good. अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो रेयर से आप 4K 30 FPS निकाल पाओगे, एंड फ्रंट में पोको X6 प्रो में 1080p एट 60 FPS था, इसमें आप 30 FPS निकाल पाओगे। अगर स्लो मोशन के बारे में बात करूं तो 240 FPS स्लो मोशन देता है। फीचर्स के बारे में बात करूं तो वही दोस्तों, प्रो मोड, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड आता है, एंड पैनोरमा है, AI वाटरमार्क वगैरह, वो सब बाकी सब चीजें हैं, लॉन्ग एक्सपोजर मोड भी आता है इसके अंदर जो X6 प्रो में भी आता है, सो ऑल दोस फीचर्स आर देयर। और हाँ, मैक्रो जो है 2 मेगापिक्सल का, उससे आप फोटो
फोटो ही नहीं वीडियोस भी शूट कर पाओगे, सो दैट इज गुड। ऑलराइट, बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सार वैल्यू विद इन लिमिट्स, एफएम रेडियो नहीं है, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, एनएफसी नहीं है, IP54 का सर्टिफिकेशन आता है, तो डस्ट एंड वाटर टू अ सर्टेन एक्सटेंट रेजिस्टेंट है, सो नो प्रॉब्लम्स देयर। वाईफाई L1 का सपोर्ट है, कैमरा टू API का सपोर्ट है, सो ऑल दोस फीचर्स आते हैं। और एक छोटा सा फीचर है दोस्तों, जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वही हार्ट रेट सेंसर भी है, तो आप हार्ट रेट आपका मेजर कर पाओगे, सो दैट इज देयर। जैसे पोको X6 प्रो के बारे में कहा था, वैसे ही मैं कहूंगा कि पोको X6 जो है जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी फोन है। वेदर डिस्प्ले के बारे में बात कीजिए, मल्टीमीडिया के लिए तो ओ माय गॉड, इट इज वन ऑफ द बेस्ट फोन्स आउट देयर। इवन परफॉर्मेंस के मामले में मैं कहूंगा जबरदस्त है इन दैट पर्टिकुलर प्राइस रेंज। कैमरा इज एक्सीलेंट, डिसेंट कहूंगा, अबव एवरेज कैमरा कहूंगा। 3 days later. तो दोस्तों मुझे पोको X6 के बारे में क्या लगता है, ये एंडिंग एक्चुअली हमने चेंज की है। मैंने पहले शूट की थी तब मुझे प्राइसिंग पता नहीं थी, तब मुझे लग रहा था 25,000 का है, बट इसकी प्राइस 20,000 के नीचे, इफेक्टिव प्राइस 19,999 आई है। और ये प्राइस सुनने के बाद आई वॉज सरप्राइज, एंड इसीलिए वी वर फोर्स टू चेंज माई फर्स्ट इंप्रेशन। जी हाँ, 20,000 के नीचे तो दिस इज द बेस्ट फोन, 7S Gen 2, जबरदस्त डिस्प्ले, कैमरा जो पोको X6 प्रो में ही आता है, लुक्स देखिए जबरदस्त लुक्स, वेदर इट इज बैटरी 5,100 mAh की बैटरी, मतलब बड़ी बैटरी भी है, फास्ट चार्जिंग भी है, जबरदस्त डिस्प्ले भी है, कैमरा सेम पोको X6 प्रो जैसा है, एंड प्राइस 20,000 के नीचे। आई मीन दिस इज अ नो ब्रेनर एट दिस प्राइस, द बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 फॉर श्योर। जनरली मैं ये कहता नहीं हूं, बट विद पोको X6 आई हैव टू मेक एन एक्सेप्शन फॉर श्योर। जी हाँ, यही है पोको X6। अगर आपको कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, इफ देयर इज एनीथिंग एल्स डू लेट मी नो। सो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।